आप देख रहे हैं पांच दरिया न्यूज एंटरटेनमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई है। उनके आगे कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 कमाल कर रही है, लेकिन इस वक्त खास बात ये है कि कंगना की ये अकेली फ्लॉप फिल्म नहीं है, धाकड़ उनकी 9वीं फ्लॉप फिल्म है। उनकी ये 8 फ्लॉप फिल्में कौन सी हैं? आइए आपको बताते हैं। नंबर 1 आई लव न्यूयॉर्क, नंबर 2 कट्टी बट्टी, नंबर 3 रंगून, नंबर 4 सिमरन, नंबर 5 मणिकर्णिका, नंबर 6 जजमेंटल है क्या, नंबर 7 पंगा, नंबर 8 थलाइवी। अब आपको दोस्तों ये भी बता दें कि कंगना की फिल्म फ्लॉप होने की वजह क्या है। कंगना रनौत अपनी तीखे बयानों को लेकर अक्सर विवादों में घिरी रहती है। एक विवाद खत्म नहीं होता कि एक्ट्रेस दूसरा बयान देकर फिर चर्चा में आ जाती है। पंगा गर्ल पर अब तक कई केस दर्ज हो चुके हैं, इसके बावजूद वो अपनी बात रखने से चुकती नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी और खालिस्तान को लेकर एक कमेंट किया था, जिसके बाद देश भर में विरोध हुआ। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ मुंबई में केस भी दर्ज किया गया था। उसके बाद किसानों को कंगना ने आतंकवादी कहा। कंगना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक विवादित पोस्ट डाला। उन्होंने पोस्ट में लिखा, खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रही हो, लेकिन उस महिला इंदिरा गांधी को नहीं भूलना चाहिए, जिसने अपनी जूती के नीचे इन्हें कुचल दिया था। इस तरह के बयान के बाद पंजाब में उनको बॉयकट कर दिया गया था। इससे पहले उन्होंने 1947 में भारत की आजादी को भीख बताया था, इससे भी बवाल मच गया था। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में केस भी दर्ज करवाए गए थे। सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए, जो कंगना के अनुसार सुशांत की आत्महत्या की वजह बनी। इस विवादित में कंगना रनौत ने बताया था कि किस तरह फिल्मी के जरिए बाहर से आने वाले अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बनाते हैं, ताकि वो करियर में आगे ना बढ़ पाए। कंगना ने सुशांत की आत्महत्या को मर्डर बताया था, और कंगना के इस बयान ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। बॉलीवुड को ड्रग माफिया का धंधा बताते हुए कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड ड्रग माफिया का रिश्ता है, वे एक दूसरे को जानते हैं, सभी के एक ही डीलर हैं। इन सब विवादों के बाद अब कंगना का फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म का चलना तो मुश्किल ही होगा ना, और यही कारण है कंगना की फिल्मों का फ्लॉप होना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप जुड़े रहिए 5 दरिया के साथ।